बेहद अहम इस कार्यक्रम को माना जाएगा, क्या कुछ है आपके पास डिटेल्स? बिल्कुल हिना, काफ़ी अहम ये प्रोग्राम इसलिए बन जाता है क्योंकि अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर जो है चर्चा करनी है, किस तरह से हो सकती है, ये विभिन्न सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो सकती है, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर में किस तरह से करनी है, कोई IIT IIM जम्मू में जो बने हैं उससे जो एजुकेशन सेक्टर है आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में उसको काफ़ी बूस्ट मिलने वाला है। एम्स अब जम्मू में बन के लगभग तैयार हो चुका है और फंक्शनल भी जो है कुछ इसके सेक्शन हो चुके हैं, तो ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ये आज एक जगह पे आज आएंगे और LG मनोज सिन्हा भी आज इसमें शामिल होंगे और बात केवल विकास की होगी क्योंकि अब जो G20 के को जो G20 की बैठक होने वाली है तो उसमें भी एक मैसेज ये देने की कोशिश है कि अब 5 अगस्त 2019 जब आर्टिकल 370 एप्लीकेट हुआ था उसके बाद एक विकास की नई जो दिशा है वो जम्मू कश्मीर को मिल चुकी है और जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू पहुंचे थे जब पल्ली गांव में पिछले साल, उन्होंने भी ये कहा था कि अब जो आने वाला वक्त है वो जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर में विकास की नई आंधी जो है वो आएगी। अब ये जो विकास है ये तीन जगह पे जम्मू कश्मीर में करना होगा, एक तो रोड कनेक्टिविटी और एक एजुकेशन सेक्टर और दूसरा हेल्थ सेक्टर और चौथा है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे होगा, क्योंकि हाल ही में हमारे जम्मू में एक इन्वेस्टर्स मीट हुई जिसमें LG मनोज सिन्हा ने साफ किया था कि एक रेड कार्पेट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी हम देना चाहते हैं। तो ये चारों जो कंपोनेंट है हिना इस पे खास फोकस है और आज जो ये आज जो फंक्शन है इसका मकसद भी यही है कि किस तरह से हम इंश्योर कर सकते हैं कि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर को देखने को मिले आने वाले 25 सालों में और 25 साल का प्लान बनाया जाएगा जम्मू कश्मीर का कि किस तरह से हर एक सेक्टर में आने वाले वक्त में जो एम्प्लॉयमेंट रेशियो है जो जम्मू कश्मीर में काफी कम है उसको कैसे बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ अभी कई ऐसे हेल्थ सेक्टर में ऐसे कंपोनेंट है जिसके लिए लोग यहां से दिल्ली एम्स में जाते हैं या बाहर के राज्यों में जाते हैं, उसको भी कोशिश ये है कि बजाय कि यहां से लोग वहां जाए, वहां से जो बाहरी राज्यों से, चाहे हमारे साथ के राज्य हैं हिमाचल है पंजाब है, वहां से लोग यहां पे आए। और एजुकेशन सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स लाने की कोशिश है क्योंकि जिस तरह से IIIM IIIM और IIT का यहां बनी है तो उसके बाद जो एजुकेशन सेक्टर है उसको भी काफी मजबूती मिली है, तो एक शो केस करने की भी एक कोशिश होगी कि किस तरह से अब जो गवर्नमेंट है पिछले कुछ सालों से उसका जो फोकस है केवल विकास के ऊपर है उनका, क्योंकि LG मनोज सिन्हा पहले ही साफ कर चुके हैं कि जो पहले की राजनीति होती थी वो काफी सेंसिटिव इश्यूज को लेकर होती थी और लेकिन अब जो पॉलिटिक्स है वो केवल विकास की पॉलिटिक्स है और लोगों को एक जो जम्मू कश्मीर के लोग पिछले 3 दशक से ज्यादा का समय हो चुका है आतंकवाद को झेलते हुए, अभी भी पाकिस्तान की कोशिश है किस तरह से आतंकवाद को वापस रिवाइव किया जाए, लेकिन इस बीच कोशिश ये है एडमिनिस्ट्रेशन की, गवर्नमेंट की, कि यहाँ पे जो 3-tier डेमोक्रेसी है उसको बहाल किया जाए, उसके साथ साथ एजुकेशन सेक्टर है, हेल्थ सेक्टर है या बाकी अन्य सेक्टर है उसको मजबूत किया जाए। बिल्कुल राजन, और इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे, आपने तमाम तर जो जानकारी तफसीलात हमारे दर्शकों को दी हैं, तो बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी, इसी पर तफसीलात दे रहे थे हमारे साथी राजन।